हेलो बच्चों वेलकम बैक आज हम देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 ऑफ़ फर्स्ट लेसन रियल नंबर्स फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड वेरीफाई एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स सो फर्स्ट पेयर इज ट्वेंटी सिक्स एंड नाइन्टी वन फर्स्ट पेयर गिवन है ट्वेंटी सिक्स एंड नाइन्टी वन सो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे टू फाइंड द एल सी एम एंड एच सी एम सो ट्वेंटी सिक्स के फैक्टर्स ट्वेंटी सिक्स में यूनिट प्लेस पर क्या है सिक्स है इवन नंबर है इट मीन्स ये टू से डिवाइड होगा सो टू वन ज टू टू थ्री जिक्स थर्टीन आ गया थर्टीन इज़ अ प्राइम नंबर ये अपने ही टेबल में आता है तो ये हो जाएगा थर्टीन वन ज थर्टीन सो दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी सिक्स अब हम फाइंड करेंगे नाइन्टी वन के सबसे पहले इसके यूनिट प्लेस चेक करेंगे यूनिट प्लेस पे कैसा नंबर है ऑड नंबर है वन है ऑड नंबर है इट मीन्स ये टू से डिवाइड नहीं होगा थ्री से भी ये डिवाइड नहीं होगा थ्री से डिवाइड कब होता है जब डिजिट को ऐड करने पर जो सम आता है वो अगर थ्री से डिवाइड होता है तो नंबर भी थ्री से डिवाइड होगा नाइन प्लस वन होता है टेन टेन थ्री से डिवाइड नहीं होता इसलिए ये थ्री से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर फोर से भी डिवाइड नहीं होगा फोर से डिवाइड करने के लिए हमें देखना होता है कि लास्ट ये जो डिजिट है ये फोर से डिवाइड हो गया या नहीं ये फाइव से भी डिवाइड नहीं होगा डायरेक्टली ये डिवाइड होगा सेवन से सो so, नाइन में सेवन कितने टाइम्स जाएगा? वन टाइम्स सेवन जा, सेवन नाइन में से सेवन माइनस किए क्या बचा टू और ये वन क्या बना ट्वेंटी वन सो ट्वेंटी वन कितने टाइम्स आता है सेवन के टेबल में थ्री टाइम्स तो ये आ गया सेवन थ्रीजा ट्वेंटी वन थर्टीन इज अ प्राइम नंबर ये अपने ही टेबल में आएगा सो थर्टीन वनजा थर्टीन सो हमारे पास फैक्टर्स आ गए नाइन्टी वन के भी फैक्टर्स आ गए और ट्वेंटी सिक्स के भी अब हम इनके एल और एच सी करेंगे सो ट्वेंटी सिक्स टू इंटू थर्टीन नाइन्टी वन नाइन्टी वन के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स सेवन इंटू थर्टीन अब हमें फाइंड हम करना है एल एंड एच सो एल ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू अब हमें यहाँ एल में क्या देखना होता है कॉमन फैक्टर्स वन टाइम एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स सो कॉमन फैक्टर्स थर्टीन है थर्टीन को वन टाइम लिखें अब आगे क्या लिखेंगे टू इंटू सेवन टू और सेवन कैसे हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं सो टू इंटू सेवन अब इनका मल्टीप्लीकेशन देखेंगे थर्टीन टू ज़ा ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे सेवन सिक्स ज़ा फोर्टी टू टू कैरी किए फोर सेवन पुजा फोरटीन प्लस फोर एटीन सो एल सी एम इज वन एटी टू जो एल सी एम है वो कितना आ गया वन एटी टू ना वी विल फाइंड द एच सी एफ अब हमें क्या फाइंड करना है एच सी एफ एच सी एफ ऑफ ट्वेंटी सिक्स एंड नाइन्टी वन सो एच सी एफ में हमें सिर्फ क्या देखना होता है ओनली कॉमन फैक्टर्स सो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं दोनों में भी थर्टीन थर्टीन इज द कॉमन फैक्टर्स थर्टीन इज द कॉमन फैक्टर इन बोथ सो थर्टीन इज द एच सी एफ़ ऑफ ट्वेंटी सिक्स एंड नाइन्टी वन एल सी एम कैसा होता है बड़े नंबर एल सी एम बड़े नंबर होते हैं जिसका एल सी एम हमने फाइंड किया किसका फाइंड किया है ट्वेंटी सिक्स एंड नाइन्टी वन तो ये ट्वेंटी सिक्स और नाइन्टी वन दोनों भी एल सी एम को क्या करते हैं डिवाइड करेंगे वन एटी टू को डिवाइड करेंगे जबकि जो एच सी एफ होता है वो कैसा होता है छोटा नंबर एच सी एफ क्या करता है नंबर्स को डिवाइड करता है नंबर्स एल सी एम को डिवाइड करते, है, करते हैं और एच सी एफ नंबर्स को डिवाइड करते हो तो यहाँ पर थर्टीन ट्वेंटी सिक्स को भी डिवाइड करेंगा और नाइन्टी वन को भी जैसे सेवन नंबर्स होते हैं और जो होता है वो छोटा नंबर होता है सो एल सी एम और एच सी एफ आ गया अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है वेरीफाई एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स सो पहले हम एल सी एम और एच सी एफ का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे देन प्रोडक्ट ऑफ डेट टू गिवन नंबर्स फिर उसको कंपेयर करेंगे सो एल सी एम इन टू एच सी एफ एल सी एम कितना आ रहा है वन एटी टू एच सी एफ कितना आ रहा है थर्टीन सो so, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं वन एटी टू को थर्टीन से थ्री टू 6, सिक्स थ्री एट जो ट्वेंटी फोर कैरी किया 2, टू थ्री वन 2 टू प्लस टू फाइव यहाँ पर ये टू एट वन सिक्स फोर प्लस टू सिक्स एट प्लस फाइव थर्टीन कैरी वन की है वन प्लस वन टू सो ये आ गया टू थ्री सिक्स सिक्स दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एल सी एम इन टू एच एल सी एम एंड एच सी एफ इसको दे दिए वन अब क्या लेना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स सो प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट है ट्वेंटी सिक्स नाइन्टी वन सो ट्वेंटी सिक्स इंटू नाइन्टी वन सो ट्वेंटी सिक्स और नाइन्टी वन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी कितना आएगा टू थ्री सिक्स सिक्स सो so, यहाँ पर जो एल है एल सी एम एल सी प्रोडक्ट ऑफ एल और एच क्या आ रहा है टू थ्री सिक्स सिक्स प्रोडक्ट ऑफ ट्वेंटी सिक्स एंड नाइन्टी वन ये भी कितना आ रहा है टू थ्री सिक्स सिक्स इट मीन्स फ्रॉम वन एंड टू एल सी एम इंटू एच सी एफ़ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स एंड नाइन्टी वन सो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन वन और टू कंपेयर करें both हैव द सेम वैल्यू 2366 2366. सिक्स टू थ्री सिक्स इट मीन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एल सी एम इन टू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्वेंटी टू टू थ्री सिक्स दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है इट मीन हैं नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर इज फाइव हंड्रेड एंड टेन एंड नाइन्टी टू सो so, सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे टू फाइंड एल सी एफ एंड एच सी एफ सो नाइन्टी टू से स्टार्ट करते हैं नाइन्टी टू इन नाइन्टी टू यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है मीन्स टू सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय टू सो टू के टेबल में नाइन कितने टाइम्स आएगा टू फोर ज़ा एट नाइन में से एट माइनस किए वन और ये टू क्या बना ट्वेल्व ट्वेल्व में कितने टाइम्स जाता है टू सिक्स टाइम टू सिक्स ज ट्वेल्व सो दिस इज़ द फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पे कैसा नंबर है इवन नंबर है सिक्स सो टू टू ज फोर टू थ्री ज़ा सिक्स ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री प्राइम नंबर है ये अपने ही टेबल में आता है सो दिस विल बी ट्वेंटी थ्री वन ज ट्वेंटी थ्री सो फैक्टर्स आ गए प्राइम फैक्टर्स टू टू एंड ट्वेंटी थ्री दिस आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नाइनटी टू नाव यू विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ फाइव हंड्रेड एंड टेन इन 510 यूनिट प्लेस पर क्या है जीरो है इट मीन्स ये टू से डिविजिबल है सो फाइव कितने टाइम्स आएगा टू टू ज़ा फोर फाइव में से फोर माइनस किए वन और ये वन क्या बना इलेवन इलेवन में कितने टाइम्स जाएंगा फाइव टाइम्स टू फाइव ज टेन इलेवन में से टेन माइनस किए क्या बचा वन और ये जीरो क्या बन गया टेन सो टेन टू फाइव ज टेन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दिस नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री टू से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है यूनिट प्लेस पर फाइव आ रहा है और फाइव कैसा नंबर है ऑड नंबर है सो so, ये टू से डिविजिबल नहीं है ये थ्री से डिविजिबल है कैसे थ्री से डिविजिबल है ये जो डिजिट्स है इनको हमने ऐड किया है फाइव प्लस फाइव टेन टेन प्लस टू ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री से डिवाइड होता है इट मीन्स ये नंबर भी थ्री से क्या होगा डिवाइड होगा सो थ्री के टेबल में ट्वेंटी फाइव कितना टाइम्स आएगा एट टाइम्स थ्री एड्स ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में से ट्वेंटी फोर माइनस किए क्या बचा वन और ये फाइव क्या बना फिफ्टीन फिफ्टीन में कितने टाइम्स जाएगा थ्री फाइव ज फिफ्टीन अब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है फाइव है इट मीन्स ये फाइव से डिवाइड होगा सो एट में फाइव वन ज फाइव एट में से फाइव गए क्या बचा थ्री और ये फाइव थर्टी फाइव फाइव सेवन जर्टी फाइव सेवनटीन इज अ प्राइम नंबर ये अपने ही टेबल में आता है सो दिस विल बी सेवनटीन वन जो सेवनटीन सो अब हमारे पास यहाँ पर नाइन्टी टू के भी प्राइम फैक्टर्स आ गए और फाइव हंड्रेड एंड टेन के भी प्राइम फैक्टर्स आ गए सो नाइन्टी टू के प्राइम फैक्टर्स टू इंटू टू इंटू ट्वेंटी थ्री फाइव हंड्रेड एंड टेन के प्राइम फैक्टर्स टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवेंटीन इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए यहाँ पर अब हमें फाइंड करना है एल और एच सी एफ यहाँ देख ले कितने है कि दोनों में कॉमन क्या है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे पहले टू टू द टू इंटू ट्वेंटी थ्री टू द पावर वन और यहाँ पर सभी का पावर वन है टू टू द पावर वन थ्री टू द पावर वन फाइव टू द पावर वन इंटू सेवेंटीन टू द पावर वन अभी हम देखते हैं यहाँ पर एल सी एम सो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन कॉमन फैक्टर्स क्या है दोनों में टू है सो कॉमन फैक्टर्स लिखे टू इन् अब बचे हुए फैक्टर्स बचे हुए फैक्टर्स क्या क्या है टू इंटू ट्वेंटी थ्री इंटू यहाँ से थ्री फाइव और सेवनटीन थ्री इंटू फाइव इंटू सेवनटीन टू टू ज़ा फोर फोर्थ टू टू ज़ा फोर पहले इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं टू टू ज़ा फोर 3 थ्री ज़ा ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव ज़ा सिक्सटी सिक्सटी इंटू ट्वेंटी थ्री इंटू सेवनटीन वन बाय वन हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे सो so, सिक्सटी को ट्वेंटी थ्री से मल्टीप्लाई करें थ्री जीरो जीरो थ्री सिक्स ज़ा एटीन प्लस टू से टू जीरो ज़ीरो टू सिक्सा ट्वेल्व सो क्या बचा ज़ीरो एट टू प्लस वन थ्री वन वन थ्री एट ज़ीरो अब से मल्टीप्लाई करना है सेवनटीन सेवन जीरो ज़ीरो सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स तो ये सिक्स और यहाँ पर कैरी किया फाइव सेवेंटीन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस फाइव ट्वेंटी सिक्स कैरी किया ये टू सेवन वन सैवन प्लस टू नाइन वन ज़ीरो ज़ीरो एट थ्री वन सो ये हो गया ज़ीरो सिक्स एट प्लस सिक्स फोर्टीन कैरी किया है वन नाइन प्लस वन टेन टेन प्लस थ्री थर्टीन सो ये आ गया टू थ्री फोर सिक्स ज़ीरो एल सी एम टू थ्री फोर सिक्स जीरो अब क्या फाइंड करना है हमें एच सी एफ एच सी एफ क्या होता है एच सी एफ सिर्फ जो कॉमन फैक्टर्स रहेंगे सो so, दोनों में कॉमन क्या है टू है सो so, यहां पर एच सी एफ क्या आ गया टू अब यहां पर एल सी और एच सी एफ के फैक्टर्स हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर यह दोनों में देखना है कि कॉमन फैक्टर्स स्मॉलेस्ट पावर पहले सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है टू है दोनों में कॉमन टू है और इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या है टू टू द पावर वन सो जो कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर हो जाता है एच सी एफ और एल सी एम अगर फाइंड करना है तो वहां पर हम क्या देखेंगे सभी नंबर्स का हाइस्ट पावर सो यहाँ पर यह टू टू का हाइस्ट पावर क्या है टू 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 द पावर टू सो so, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर टू टू द पावर टू ये देखिए टू इन टू क्या हो गया टू टू द पावर टू और बाकी बचे हुए फैक्टर्स सो ट्वेंटी थ्री का पावर वन ट्वेंटी थ्री वन का पावर वन ही आएगा ट्वेंटी थ्री टू द पावर वन थ्री टू द पावर वन फाइव टू द पावर वन और सेवनटीन टू द पावर वन तो इस टाइप से भी एल सी एम और एच सी एफ फाइंड आउट कर सकते हैं सो so, अभी हमारे पास एल सी एम और एच सी एफ़ दोनों भी आ गया है अब हम इनके प्रोडक्ट देखेंगे सो एल सी एम इन एच सी एफ़ एल सी एम टू थ्री फोर सिक्स ज़ीरो एच सी एफ़ टू सो टू थ्री फ़ोर सिक्स ज़ीरो को टू से मल्टीप्लाई किएंगे टू जीरो ज़ीरो टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व वन की ये कह रही है टू फोर ज़ा एट प्लस वन नाइन टू थ्री ज़ा सिक्स और टू टू ज़ा फोर सो क्या आ गया यहाँ पर फोर सिक्स नाइन टू ज़ीरो इससे दे दिए वन दिस द प्रोडक्ट ऑफ एल सी एम टू एच सी एफ़ अब हमें क्या फाइंड करना है इन दोनों का प्रोडक्ट सो फाइव हंड्रेड एंड टेन इंटू नाइन्टी टू फाइव हंड्रेड एंड टेन को क्या करना है नाइन्टी टू से मल्टीप्लाई सो फाइव हंड्रेड एंड टेन नाइन्टी टू टू जीरो जीरो टू वन टू टू फाइव टेन अब नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन ज़ीरो जीरो नाइन वन जाइन नाइन फाइव फाइव एड कर देंगे सभी को जीरो टू प्लस जीरो टू नाइन प्लस जीरो नाइन फाइव प्लस वन सिक्स और ये फोर क्या आ गया यहाँ पर फोर्टी सिक्स नाइन ट्वेंटी दिस द टू सो फ्रॉम वन एंड टू इक्वेशन वन और टू दोनों में क्या है लेफ्ट राइट हैंड साइड सेम है राइट हैंड साइड इक्वल है मीन्स इनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे इक्वल होंगे सो दिस कैन बी रिटर्न एज एल सी एम एच सी एफ इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड एंड टेन नाइन्टी टू वैल्यूज़ भी लिख देते हैं फोर सिक्स नाइन टू जीरो इसकी भी वैल्यू यही है और इनका मल्टीप्लीकेशन भी कितना आ रहा है फोर सिक्स नाइन टू ज़ीरो सो दिस इज हैं प्रूफ नेक्स्ट नंबर इज़ थ्री थर्टी सिक्स एंड फिफ्टी थ्री थर्टी सिक्स एंड फिफ्टी फोर सो पहले इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं फिफ्टी फोर यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है इवन नंबर है इट so, में से टू से डिवाइड होगा. सो टू टू ज़ा फोर फाइव में से फोर माइनस के वन और ये फोर क्या बन गया फोर्टीन सो so, कितना टाइम्स जाएगा सेवन टाइम्स सो so, ये बना ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन थ्री के टेबल में आता है थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड दिस विल बी थ्री वन जा थ्री सो so, यहाँ पर 54 के प्राइम फैक्टर्स आ गए अब किसके फाइंड करेंगे 336 इन 336 यूनिट प्लेस इज इवन नंबर सिक्स जो है इवन नंबर है इट मीन से टू से डिवाइड हो जाएगा थ्री में कितना टाइम्स जाएगा वन टाइम्स टू वन ज टू थ्री में से टू माइनस किए क्या बचा वन और ये थ्री क्या बना ये थर्टीन थर्टीन में कितने टाइम्स जाएगा सिक्स टाइम टू सिक्स क्या बचा थर्टीन में से ट्वेल्व माइनस किए वन और ये सिक्स क्या बन गया ये सिक्सटीन सो so, ये एट अगेन ये टू से डिवाइड हो जाएगा टू एट 16 टू फोर ज़ा एट एटी फोर आए ये भी टू से डिवाइड होगा टू फोर ज़ा एट टू टू ज़ा अगेन ये टू से डिवाइड होगा टू टू जो टू टू वन जो अब क्या आ गया ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन कैसा नंबर है इवन नंबर है सॉरी ट्वेंटी वन ऑड नंबर है इट मीन्स ये टू से डिविजिबल नहीं है सो so, हमें पता है कि ट्वेंटी सेवन किसके टेबल में आता है थ्री के टेबल में सो थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन और ये Now, numbers, 3, ke, ke आ गया सेवन वन ज सेवन नॉ वी हैव द so, फैक्टर्स ऑफ बोथ नंबर थ्री थर्टी सिक्स एंड फिफ्टी फोर तीनों के दोनों के भी नंबर आ गए हैं सो इसको लिख लेते हैं फिफ्टी फोर इज इक्वल टू क्या है फिफ्टी फोर में टू इन टू थ्री इन टू थ्री टू थ्री फिर हम इससे भी लिख सकते हैं टू वन टू टू द पावर वन इंट थ्री टू द पावर थ्री न थ्री थर्टी सिक्स थ्री थर्टी सिक्स के फैक्टर्स कितना टाइम्स आ रहा है वन टू थ्री फोर फोर टाइम्स आ रहा है टू थ्री इंटू सेवन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं सो ये टू पावर एल सी एम एल सी एम में क्या करना है हमें जो कॉमन नंबर है कॉमन फैक्टर है उसे वन टाइम लिखेंगे और बाकी बचे हुए फैक्टर्स या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इन दोनों में सबसे पहले देखो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर ये जो फैक्टर्स गिवन है इन सभी फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स आ रहा है टू है थ्री और सेवन है ये तीन नंबर ही तीन नंबर ही आ रहे हैं इसमें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल में इन नंबर्स ये जो फैक्टर्स है इनका हाइस्ट पावर अगर टू को देखें तो टू का हाइस्ट पावर क्या है टू टू द पावर फोर थ्री को देखें तो थ्री का हाइएस्ट पावर क्या है थ्री थ्री टू द पावर थ्री और सेवन का पावर सेवन पावर वन इस टाइप से भी लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ से भी इसे चेक कर सकते हैं सो so, यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉमन टर्म को वन टाइम लिखना होगा और बचे हुए फैक्टर्स एज इट इज़ सो कॉमन टर्म क्या है यहाँ पर कॉमन फैक्टर टू और थ्री है सो इधर टू और थ्री ये कॉमन आ गए अब बचे हुए यहाँ पर देखिए थ्री इन थ्री और यहां से टू इन टू 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 सेवन अगर हम यहाँ पर चेक करें तो देखो टू का पावर कितने टाइम्स आ रहा है टू टू दावर वन टू टू दू टू टू दावर थ्री टू टू पावर फोर सो हाइएस्ट पावर टू का क्या है टू टू पावर फोर थ्री थ्री का हाइस्ट पावर थ्री कितना टाइम्स आ रहा है थ्री टू द पावर वन थ्री टू द पावर टू थ्री टू द पावर थ्री सो इन दोनों में भी थ्री का हाइएस्ट पावर क्या है थ्री टू द पावर थ्री और सेवन का पावर सेवन टू द पावर वन तो चाहे तो हम यहाँ से कॉमन देख के भी लिख सकते हैं या फिर पावर से भी लिख सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है इस फैक्टराइजेशन में जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है उनका हाईस्ट पावर सो यहाँ पे इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है टू थ्री एंड सेवन टू का हाइस्ट पावर क्या है टू टू द पावर फोर थ्री का हाइस्ट पावर थ्री टू द पावर थ्री और सेवन का पावर वन एज इट इज़ सो दोनों इससे हम लिख सकते हैं अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले टू ले लेते हैं टू टू ज फोर फोर टू ज़ा एट एट टू ज़ा सिक्सटीन सो ये आ गया सिक्सटीन इंटू थ्री में थ्री थ्री ज़ा नाइन नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन सो सिक्सटीन को ट्वेंटी सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे सेवन सिक्स 42, फोर्टी टू टू और फोर सेवन वन जा सेवन प्लस फोर इलेवन टू सिक्स ज ट्वेल्व कैरी किया वन टू वन जो टू प्लस वन थ्री सो ये हो गया टू टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस वन फोर अब मल्टीप्लाई करना इसको सेवन से सेवन टू जो फोर्टीन फोर्टीन यहाँ पर कैरी वन की है सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन प्लस वन ट्वेंटी टू सेवन फोर जो ट्वेंटी एट और ये थर्टी सो यह आ गया थ्री जीरो टू फोर थ्री जीरो टू फोर दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स अब देखना है हमें एच सी एफ एच सी एफ में हमें सिर्फ क्या देखना होता है कॉमन टर्म्स कॉमन फैक्टर्स सो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है टू है और थ्री है इसे वन टाइम लिखेंगे टू इन टू थ्री डेट इज सिक्स सो एच सी एफ आ गया सिक्स सो so, ये जो एलसीएम हमने फाइंड किया थ्री जीरो टू फोर सो दिस नंबर थ्री जीरो टू फोर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय थ्री थर्टी सिक्स एंड फिफ्टी फोर ये जो नंबर है ये थर् थ्री थर्टी सिक्स से भी डिवाइड होता है और फिफ्टी फोर से भी डिवाइड होता है एच सी एफ़ फाइंड किए सिक्स तो सिक्स क्या करता है थ्री थर्टी सिक्स को भी डिवाइड करता है और फिफ्टी फोर को भी डिवाइड करता है एल सी एम क्या रहेगा बड़ा नंबर आता है और एच सी एफ जो है वो छोटा नंबर आता है अब हमारे पास एल सी एम और एच सी एफ दोनों भी आ गए आगे क्या फाइंड करना है हमें इनका प्रोडक्ट सो एल सी एम इन टू एच सी एफ इज इक्वल टू एल सी एम इज थ्री ज़ीरो टू फोर एच सी एफ सिक्स सो फाइन करते हैं यहाँ पर सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर ये फोर और टू सिक्स टू ज ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन के फोर वन सो यहाँ वन ही रहेंगे एंड सिक्स थ्री ज़ा एटीन सो ये आ गया वन एट वन फोर फोर वन एट वन फोर फोर दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एल सी एम एंड एच सी एफ ये दोनों का क्या गया? आ गया प्रोडक्ट आ गया ना वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स मीन्स थ्री थर्टी सिक्स इन टू फिफ्टी फोर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे थ्री थर्टी सिक्स को फिफ्टी फोर से मल्टीप्लाई फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर सो ये फोर और टू कैरी किए फोर थ्री जर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन फोर वन फोर थ्री जर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन और फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फ़ाइव सिक्स थर्टी जीरो और कैरी किए यहाँ पर थ्री सो so, कितना हो जाएगा फाइव जा फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन एट वन कैरी किए फाइव जा फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन ऐड करेंगे सभी को सो फोर फोर एट प्लस थ्री इलेवन यहाँ वन सिक्स प्लस वन सेवन सेवन प्लस वन एट सो so, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है वन एट वन फोर फोर दिस इज टू अब यहां पर देखिए वन और टू को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों भी नंबर दोनों में भी राइट हैंड साइड क्या है सेम है राइट हैंड साइड सेम है मीन्स इनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे सेम होंगे सो फ्रॉम वन एंड टू एल किसका एल सी एम फाइंड किए थ्री थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर इन एच सी एफ किसका एच सी एफ किए थ्री थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर किसके इक्वल है थ्री थर्टी सिक्स इन फिफ्टी फोर इन दोनों के क्या आता है इक्वल आता है क्या वैल्यू आ रही है इनकी वन एट वन फोर फोर इज इक्वल टू वन एट वन फोर फोर इट मीन्स हैंड्स प्रूफ यहाँ पर ये यह जो प्रॉपर्टी है एलसीएम और एच की कि एल सी एम इन एच सी एफ़ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये प्रॉपर्टी सिर्फ टू नंबर्स पर ही अप्लाई होती है थ्री नंबर्स के ऊपर अपलीकेबल नहीं है यहाँ पर ये यह जो हम दो नंबर का एल सी एम फाइन करेंगे दो नंबर का एच सी एफ़ फाइन करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होती है बट अगर हम थ्री नंबर्स फोर नंबर्स के एल सी एम और एच सी एफ़ फाइन कर रहे हैं सो तो ये प्रॉपर्टी उन नंबर्स पर एप्लीकेबल नहीं है